हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। आज है कान्हा का बर्थडे, तो चलते हैं हम अपने कान्हा के पास। तो चलो फिर पापा के पीछे पीछे। मैं तो सच में थक गई हूँ आते आते। बाइक पे तो मेरे पैर कट गए थे। हाय ये हमारा छिछोरा लड़का। यहाँ आते के साथ मुझे मिल गए चावल खाने के लिए। मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही थी। पर है वो बैठा हुआ है। यहाँ पर बच्चे ले आए मुझे डेकोरेशन दिखाने के लिए, तो मैंने भी सोचा चलो चलते हैं। खाली बैठे बैठे करना ही क्या है। यहाँ आकर देखा तो बर्थडे की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। यहाँ भैया एक कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बैलून एडजस्ट कर रहे हैं। डेकोरेशन थीम वाइज हो रही है ब्लू एंड येलो। यहाँ ये बच्चे बैलून देखकर लग गए खेल में। चलो अब देखते हैं बाहर की डेकोरेशन। चलते हैं अब रेडी होने। अब अपनी सजावट खत्म करने के बाद मैंने किया थोड़ा फोटोशूट अपनी फैमिली के साथ। सोचा व्लॉग तो कर ही रही, उन सबको भी ले लेती हूँ। गाइस अब मिलो हमारे बर्थडे बॉय से। ये है हमारा कान्हा। इसे सब प्यार से कान्हा कहते हैं और ये सचमुच कान्हा ही है। बहुत भोला भाला है ये। मुझसे तो ज्यादा बोल ही नहीं रहा था ये, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा था। मैं ही बेचारे को जबरदस्ती परेशान कर रही थी बार बार। देखो वैसे मुझसे नहीं बोल रहा लेकिन गया कितनी मस्ती में। यहाँ चल रहा था कान्हा का बर्थडे फोटोशूट। यहाँ बहुत ज्यादा घबरा रहा था ये। यहाँ हमारी बर्थडे पार्टी में चार चांद लगाने के लिए हमने बुलाया इन जनाब को। वाकई में इन्होंने पूरी पार्टी में रौनक कर दी थी। अब शुरू हो गई कान्हा की केक कटिंग सेरेमनी। अब यहाँ थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि थोड़ा एंजॉय कर रहा है। एंजॉय करना भी चाहिए, बर्थडे जो है इसका। इन दोनों के डांस ने पूरी पार्टी में जान डाल दी थी बाद में, लेकिन अब ये मुझे पकड़ कर लेकर जा रहे थे जबरदस्ती, लेकिन मैं तो पीछे से भाग गई। अब शुरू हो गए ये दोनों डांस करने के लिए। अब शुरू हो गया है यहाँ पे मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए। वाह, इसके लिए तो तालियां बनती हैं। जब हम आ गए पार्टी एंजॉय करके। पीछे हो। अरे पीछे हो। मैं जुराब छोड़ेगी तभी तो पीछे होऊंगा। जुराब पे चिड़ी हुई जुराब फैलती पूरी मेरे पीछे। नहीं हो सकता। अब तो पीछे हो जा। ये मेरा फुल आउटफिट है।
कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये मुझे ऐसे ही परेशान करता रहता है, जहाँ देखो लग जाता है परेशान करने के लिए, ना वीडियो बनाने देगा ना कुछ। अब हम फ्रेश होके चेंज करके बैठ गए खाना खाने के लिए, वैसे भी बहुत भूख लग रही थी, तसल्ली से खाना ही नहीं खाया था। देखो गाइस ये सब खाली बैठे हुए थे, फिर चला कर बैठ गए मेरे व्लॉग, और देख कैसे रहे कितने आनंद पूर्वक। अब भाई बहुत ब्लॉग देख लिए, बहुत खाना खा लिया, अब चलते हैं सोने के लिए, वैसे ही बहुत टाइम हो गया है। चलो मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। 2000 years later. हेलो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का सूरज निकलने के पश्चात ही अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। मेरा तो मन है नहीं जाने का, लेकिन क्या करूं, जाना तो फिर भी पड़ेगा। और सुबह सुबह ठंड तो इतनी थी और कोहरा बेहिसाब था, कुछ आगे का दिखाई ही नहीं दे रहा था ठीक से। अब बहुत हो गया एंजॉयमेंट, अब लग जाओ सीधे काम पे अपने। घर आते के साथ मैं लग गई अपने काम में, जो मुझे डेली रूटीन में करना होता है। सबसे पहले चमकाया घर, थोड़ी बेडशीट ठीक की, थोड़ी घर की सफाई की। अब आ गई मैं किचन में, थोड़ा खाना बनाया और पापा का टिफिन पैक किया। मैंने पापा के टिफिन में पैक किया दाल, चावल, रोटी और मिक्स वेज की सब्जी थी और सलाद था और थोड़े गुलाब जामुन रखे थे, तो मैंने सोचा वो भी डाल देती हूँ, पापा खा ही लेंगे। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी इतनी आदत नहीं है ब्लॉग शूट करने की बनाने की, आप लोग सपोर्ट करोगे ज़रूर आदत बदलेगी। टेक केयर, बाय बाय।